नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। जहानाबाद से वर्तमान में सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने नवादा लोकसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, और इस बात का ऐलान उन्होंने कोई बयान निकल के नहीं बल्कि अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज से इस बात का ऐलान किया है। ये सांसद अरुण कुमार का ऑफिशियल पेज है, डॉक्टर अरुण कुमार के नाम से वेरीफाइड पेज है, और उस पर उन्होंने लिखा है, आगामी लोकसभा चुनाव नवादा से लड़ूंगा, 25 को नामांकन में सभी शुभचिंतक सादर आमंत्रित हैं। ये जो सीट है, इस सीट पर इस बार क्योंकि गिरिराज सिंह यहाँ से सांसद हैं और ये सीट अब लोजपा के जब खाते में गई उसके बाद से लगातार जो है इस पर विवाद चल रहा है। सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ से राजबल्लभ यादव की पत्नी आरजीजी की तरफ से उम्मीदवार हैं विभा देवी, जो सीधी लड़ाई थी वो सूरजभान सिंह के भाई और जो चंदन कुमार है उनके बीच में, और साथ साथ राजबल्लभ की पत्नी विभा देवी के बीच में है। लेकिन अब ये जो सीट है वो फिर से चर्चा के केंद्र में आ गए, क्योंकि जो सांसद अरुण कुमार हैं वो जहानाबाद से सांसद थे, लेकिन क्योंकि वो सीट वो एनडीए का हिस्सा नहीं है, आरएलएसपी में भी नहीं है फिलहाल, हालांकि उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की कुछ दिन पहले तारीफ भी की थी, लेकिन बावजूद उसके वो बहुत लंबे वक्त से जो नवादा लोकसभा है उस पर नज़रें गड़ाए हुए हैं, क्योंकि वो पूरा इलाका जो है वहाँ पे वो जिस जाति से आते हैं भूमिहार जाति से उस वो वहाँ पे बड़ी संख्या में उसके वोटर्स हैं, लिहाजा उनकी नज़र जब वो एनडीए के अंदर में भी थे तब भी उनकी कोशिश थी कि जहानाबाद की जगह उनको नवादा मिले, लेकिन वो सीट उस वक्त गिरिराज सिंह को चली गई थी। आज की बात करें तो अब ये सीट लोजपा के खाते में है, सूरजभान सिंह के जो भाई हैं चंदन कुमार अब वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे बतौर एनडीए उम्मीदवार, तो महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर विभा देवी जो कि राजबल्लभ यादव जिनके ऊपर एलिगेशन है, जो जेल में बंद हैं फिलहाल एक नाबालिग से रेप के मामले में, तो इस उनकी पत्नी वहाँ चुनाव लड़ रही हैं, और अब उस चुनावी मैदान में एक बड़ा नाम जुड़ गया है डॉक्टर अरुण कुमार का, और इन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि वो भी नवादा से चुनाव लड़ेंगे। खास बात यह है कि नवादा जो है पिछले कई दिनों से एक हॉट किक रहा है, क्योंकि जब से मुंगेर लोकसभा पर अनंत सिंह की दावेदारी हुई इसके बाद से ये माना जा रहा था कि जो सूरजभान सिंह हैं उनकी पत्नी नवादा से चुनाव लड़ेंगे, गिरिराज सिंह छोड़ने के लिए फिलहाल पहले तैयार नहीं थे और उन्होंने अपनी नाराज़गी भी जाहिर की थी कि उनको नवादा से बेगूसराय शिफ्ट क्यों किया गया, तो कहीं ना कहीं अब इसके बीच में सांसद अरुण कुमार जिस तरीके से वहां से दम भरने वाले हैं और 25 तारीख को यानी कि कुछ घंटों के बाद जब वो नामांकन करेंगे तो उसके बाद जो नवादा में जो जो दंगल है वो देखने लायक होगा। सहयोगी मनीष के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ फाउंडेशन, पटना।